हेलो गाइस, वेलकम टू बैक थ्री इडियट्स रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं जर्नी। अमृत मान का गाना आया है, तो मैंने क्या बोला, जर्नी ही बोला भोसड़ी के, ठीक है। मर्सी का म्यूजिक है और ये थोड़ा इडियट से बीच में हमारा गाली ग्लो थोड़ा बहुत चलता है। जो हमें बात करते हैं उनको तो पता है, जो नए आ रहे हैं भाई इस चैनल पे गालियां यूज होती हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे कॉमेडी वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो वो हमारा अवार्ड भी आप पढ़ सकते हो। तो भाई का गाना है अमृत भाई का, काफी टाइम बाद आया गाना और हम पंजाबी गाने ला रहे हैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आपके प्यार की वजह से। बाकी इन दोनों की बकवास सुने बिना वीडियो करते हैं कड़च करके स्टार्ट। बोले क्या, बोले क्या, ट्रू रूट्स प्रोडक्शन। एक सेकंड गाइस, ठीक है। वीडियो किसने की है? हैरी चहल। स्टार्टिंग में दो रोल मैं फलां च बैठ के गप मारदे नहीं, जितने आए आए सी हारदे नहीं। एक गल साडे बारे सुनी होनी है, बेबे दे आ पुत्त किसे नारदे नहीं। एक जिम्मेवारी मेरी दूर करके, लोकां नूं वी आपे मजबूर करके, मेरे बारे नेगेटिव बोलदे सी जो बोल बोल मैनू मशहूर करके। जिस जिस आपके लिरिक्स चल रहे पीछे पीछे चेक कर, मेरे बारे नेगेटिव बोलदे सी जो। अब वो जैसे बोल रहे कि मेरे बारे जो बोल रहे थे वो पीछे देख, जो पीछे उन्होंने जोकर तैयार किया ना, वो ऐसे ऐसे उसको तंग कर रहे हैं लाइक। पर मास मशहूर करेंगे, हर मर फैमिली स्कीम रखी है, लॉबी विच मैन नु करीम रखी है, रखे आनी आश की ते और कट ने रखी है, ता जिम दी रूटीन रखी है। की मैं खावा चाहे थोड़ी ही होवे, फेर भावें जहर दी ओ पूड़ी ही होवे, एंड तक करूगी प्यार मेरा जो जिते बच्चा होया मेरे कुड़ी ही होवे। दुनिया में भावे बापू गोले रखी मालिका, सिर उत्ते हाथ सदा रखी मालिका, माड़े कम्मा कोलो मैनू डक्की मालिका, दुनिया में भावे यह सारी जतना मैनू मेरे बापू गोले। पोज मैंने इसलिए लिया है, लिरिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा वाओ वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और म्यूजिक ठीक चल रहा है मर्सी भाई का, ऐसा ही थोड़ा रहता है उनका, सिंपल बीट है, मतलब कोई इतना बड़ा बवाल वाला मसला नहीं है कि हम मचर जाएं कि भाई क्या आ गया, ये आ गया, समझ रहे हो। हम यार आपको पता है रेयर देते हैं, अब किसी को चीज़ अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है, उससे हमें कोई फर्क पड़े भाई, हमारा काम है सच बताना, ठीक है। रिएक्शन पे बैठे हैं भाई, ऐसे तो बैठे नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है तभी बैठे हैं। बड़े चैनल ऐसे भी हैं जो ऐसे बैठ जाते हैं मजा लेने के लिए, पर हमारा नहीं है, आप सारी वीडियोज चेक कर सकते हो। और वीडियो का क्या है, वीडियो के शॉट अच्छे चल रहे हैं, डायरेक्शन अच्छी चल रही है, कलरिंग में मार बच गई है। कलर ग्रेडिंग में थोड़ी कमी है, मैं हेट नहीं कर रहा हूँ पर भाई हमारा काम है बताना, ठीक है। अब इसको नेगेटिव लो पॉजिटिव लो भाई, मैं अब दोबारा एक ही बात बोलूंगा, ले लो यार क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। पर मेरे को, मैं झूठ नहीं बोल सकता खुद से ना आपसे, समझ रहे हो। कलर ग्रेडिंग में कमी है, शॉर्ट्स में कोई कमी नहीं है, डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, उनकी ड्रेसिंग में कोई कमी नहीं है, हेयर स्टाइलिंग में कोई कमी नहीं है, आर्ट डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है। जैसे गाड़ी मैनेजमेंट हुई है उनकी, आसपास के बंदे मैनेजमेंट हुए, वो मम्मा वाला शॉट आया कितना अच्छा लग रहा था, मैंने पोज करके बोला, तो जिस चीज चीज का थोड़ा लग रहा है वो बाकी आगे देखते हैं अब, है ना, फिलहाल इतने बाकी एंड में देखते हैं। अच्छा इतना ही, हाँ यहीं पे हम थोड़ा बहुत इसी को पकड़ लेंगे। यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आई,
कलरिस तो अपना फेवरेट है। नहीं, ये ओनकार सिंह है, वो ओमकार है। हाँ, ये कोई और है भाई। पर भाई हमारा कोई रेट नहीं भाई, आपकी मेहनत है, बट हमें जो लगा कमी लगी तो बोला, ठीक है। शायद मेरे को लगता है कि अगर हाँ कोई कमी निकाल रहा है या जिसको नॉलेज है, भाई मेरे को खुद वीडियोग्राफी का काम है, मेरा खुद कलरिंग का काम है, एडिटिंग का काम है, तो नॉलेज है तो बता पाते हैं, समझ रहे हो। डायरेक्शन का काम खुद का है, किया हुआ है, करते भी हैं, इसलिए नॉलेज है तो बता रहे हैं। बाकी लिरिकली तो बहुत अच्छा जा रहा था, लिरिकली कोई कमी नहीं है, 1% की भी कमी नहीं है मेरी तरफ से। बाकी म्यूजिक भी बहुत अच्छा जा रहा था, सिंपल था वो, क्योंकि उनके लिरिक्स ही ऐसे थे कि उसको क्या ही तामझाम देते वो, है ना, उसको उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। वीडियो भी अच्छी जा रही थी, वीडियो भी बहुत अच्छी जा रही है, बस कलरिंग में मार बजी है थोड़ी, कलर ग्रेड में कमी है। हाँ, लो भी नहीं है, एकदम लो नहीं था ये, थोड़ा हाँ इतना नहीं लो आप कि नॉर्मल। मतलब मैं आपको थोड़ा एक ही बात में खत्म कर देता हूँ, इससे भी इम्प्रूव वाले गाने आ रहे हैं। काका का गाना देखो हमने किया वो वाला, और मेरे को ना कौन सा गाना था काका का अभी किया, जो वो जो मुस्लिम टाइप ऐसा कुछ, यार अभी कौन सा गाना है उसका यार। तो मैं एक हाँ, उसकी कलर ग्रेडिंग यार वो तू कर तो ले बात। मैं एक चीज और बोलना था कि जिस तरह ना हमने थंबनेल देखा ना, तो उस वे में ना स्टार्ट में को लगा एक स्टार्टअप में वाओ वाओ इफेक्ट करता ना, स्टार्ट भी इतना ठीक नहीं था। ठीक नहीं था। तो जैसे स्टार्ट देखा तो मैंने वही स्टार्टिंग में पहले बोल दिया था आपको कि मतलब कलर ग्रेडिंग में पता नॉर्मल क्या इशू है, थोड़ा ना फटी फटी है, जाए। कलर फटे हुए हैं, ठीक है। जो इस लाइन का है ना वो परफेक्टली समझ पाएगा मैं क्यों इस बात को इतना बार बार बोल रहा हूँ भाई। दिख रहा है तो वो है, क्योंकि हमें कलरिंग का बहुत ही मेरे को नॉलेज है, मैं इसलिए पकड़ पा रहा हूँ। कलर्स ना ऐसे फट गए हुए हैं, बाकी फेस टेक्सचर अच्छा था वहां का, अच्छा था। कलर्स ना ऐसे थोड़े वो हो गए हुए हैं, अगर परफेक्टली देखना पड़ेगा कैसे, वो प्रॉपर 4K में देखना पड़ेगा, बट लोग मैक्सिमम ज्यादा 1080 पे देखते हैं, सो ये रीजन भी है। बाकी बाकी तो मस्त था यार, है ना, बाकी सब ओके था। बाकी वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए यार, यही ओपिनियन था, नो हेट, सबकी मेहनत है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मेहनत लगती है, चाहे छोटी सी चीज हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, मेहनत मेहनत है। बाकी इसी तरह वीडियो करते खत्म, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए 3 डिस्ट्रैक्शन, आप पली करें, पीस आउट। गलत हो गया।